ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में फ्रेंड्स। तो आज हम एक डिफरेंट तरह की रीडिंग करने लगे हैं जो कि है पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर योर फ्यूचर पार्टनर। जो लोग भी सिंगल हैं ड्यू टू एनी रीज़न, उन वो लोग ये रीडिंग्स देख सकते हैं। और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में एक न्यू पार्टनर आएगा या आने वाले टाइम में वो एक पार्टनर के अंदर क्या क्वालिटीज़ देख सकते हैं, वो किस तरह से उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा और वो कैसे उन्हें डील करना चाहिए। तो ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग होगी जिसमें हम वन बाय वन डेक से निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे लास्ट में मैं गाइडेंस निकालूंगी, बट मैं आपको बता दूं ये है डेक नंबर वन। तो जो ये सिलेक्ट करेगा, मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगी, आप टाइम स्टैम्प से भी देख सकते हैं। ये है डेक नंबर वन, तो जो इसको करेगा उसकी अकॉर्डिंग आप उसके टाइम स्टैम्प पे जाके देख लेना। और ये है डेक नंबर टू, और इसकी रीडिंग आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। तो ये दो डेक्स के अकॉर्डिंग आपको जोन सा भी डेक आपसे रेजोनेट करे, आप उसको जो आपको लग रहा है ज़्यादा ट्रैक कर रहा है, या आपको लग रहा है कि मेरी रीडिंग इसके अकॉर्डिंग होगी, या मेरी इंट्यूशन ये कहती है कि मुझे ये चूज़ करना चाहिए वो। और सबसे लास्ट में हम एक बार मूनोलॉजी से आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे, ट्राई करेंगे कि डिवाइन आपको इस सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितनी रेजोनेट हो प्लीज़ उसी को लीजिएगा, कुछ भी अपने ऊपर फोर्स मत कीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं जल्दी से फ्रेंड्स। ऑल राइट, सो स्कॉर्पियो राशि, आइए देखते हैं क्या है आपकी जॉब एंड काम से रिगार्डिंग, क्या रीडिंग निकलती है करियर वाइज आपकी। तो द हाई प्रीस्टेस आया है फ्रेंड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। एक और कार्ड लेते हैं, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, देखो अगर मैं इन थ्री ऑफ सोर्ड्स को छोड़ दूँ, इस कार्ड पे ध्यान न दूँ, तो बाकी के जो सारे कार्ड्स आए हैं बहुत पॉजिटिव थे। और इंट्यूटिवली मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं ज़रूर ये लास्ट कार्ड उठाऊं। मैंने फोर उठाए थे तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस करूं, लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि आई शुड पिक वन मोर कार्ड। दैट इज़ इंट्यूटिवली आई फेल्ट लाइक। देखो स्कॉर्पियो राशि, आप अपने जॉब एंड करियर में बहुत पैशनेट हो, बहुत काम को लेके बहुत ही ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करते हो, चीज़ों में एक बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डालते हो जो मुझे दिख रहा है। और आप काफ़ी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करते हो, हमेशा ये नहीं होता कि आप इस तरीके से जी रहे हो कि बस कुछ भी, मतलब होता ना कुछ लोग होते हैं कि भाई कुछ भी चल रहा है बस, वैसे वाले आप नहीं हो, काफ़ी प्लान करके लाइफ को चलते हो। जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में मे बी या तो ये हो चुका है या आने वाले टाइम में आपने पीछे कुछ ना कुछ अपने स्कॉर्पियो राशि प्रॉब्लम्स देखे हैं अपने काम में, अपने करियर में, जॉब में। हो सकता है कोई टर्मिनेशन आया हो, कोई मूवमेंट आया हो जो आपको ठीक नहीं लगा, या कोई ऐसी पेनफुल चीज़ हुई है आपके साथ। देखो मुझे जहाँ तक दिख रहा है, चाहे वो कितनी भी पेनफुल हो, आप अभी एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करेंगे आने वाले टाइम में, या मे बी दिस कुड बी योर प्रेजेंट एनर्जी ऑल्सो कि आपने शायद कर दी है। इवन अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कोई भी आपको थर्ड पर्सन किसी तरह से प्रॉब्लम ना क्रिएट करे आपके जॉब एंड करियर में, या किसी तरह का एक दिक्कत क्रिएट करने की कोशिश ना करे। तो आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत ही मतलब सिंसियरली अपनी चीज़ों को करते हैं, जस्ट डू इन द सेम वे। ठीक है, अब मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप के कार्ड्स देखती हूँ फ्रेंड्स, क्या है आपकी लव एंड रिलेशनशिप की रीडिंग। सो लव एंड रिलेशनशिप की रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो राशि फॉर द मंथ, फॉर द अपकमिंग वीक। ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स आपका याद है करियर में भी आया था,
ऑल राइट स्कॉर्पियो, आप किसी ना किसी रीज़न से एक रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं, काफ़ी पेनफुल रहा है वो रिश्ता आपकी लाइफ में, और या तो रिसेंटली या कुछ टाइम पहले आपने उस रिश्ते से वॉकआउट किया है, या फिर उस पर्सन ने आपके सामने वॉकआउट किया है। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, यहाँ पे भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, और आपने बहुत प्लानिंग्स कर रखी थी उसके साथ, उस पर्सन के साथ लाइफ में आगे मूव ऑन करने के लिए। लेकिन वही है कि उस पर्सन ने मे बी आपको एक ऐसी फियरफुल एनर्जी में डाल दिया और इनसिक्योर कर दिया कि आप खुद पर ही, जैसे कहते हैं ना, हम खुद पर ही शक करने लग जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ, आपके साथ कुछ ऐसा किया है उस पर्सन ने पास्ट में जो शायद आपको कुछ पेन दे गया है। हालांकि अगर मैं बोलूं तो फिलहाल किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिख रहा है कि लाइफ आपको शायद एक और चांस देगी, एक ऐसा पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा जो आपके लिए अबंडेंट होगा, जो आपको बहुत फुलफिल करेगा। अगर पीछे कुछ प्रॉब्लम्स थी भी ना, हो सकता है वो, देखिए कर्मा का कार्ड है, तो कोई कार्मिक पार्टनर था या कोई कर्मा था जो आपको क्लियर करना था, जिसकी वजह से आपने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया और वॉकआउट करना पड़ा। बट येस, अपकमिंग फ्यूचर इज़ लुकिंग गुड। सिर्फ आपको किन चीज़ों पे काम करना है, एक तो पास्ट को भूलने की कोशिश करें, ठीक है, और दूसरा जो चीज़ पे आपने एक्चुअली काम करना है वो ये है कि आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर के फियर्स और एंजाइटीज़ पे वर्क करना है। आपने फ्यूचरिस्टिक होकर चीज़ों को देखना है, और अगर कोई राइट पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो डेफिनेटली आप उसको कंसिडर करें, क्योंकि दिख रहा है कि कोई आने वाले टाइम में आपको शायद कुछ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए। ठीक है, अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ, गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो राशि। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन आया है। Your hard work is paying off. एक सेकेंड, दो कार्ड्स एंड होल्ड योर विजन। देखो इन तीनों कार्ड्स को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो अगर आपकी राइट अप्रोच थी, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से देखते थे, लाइफ को बहुत सिंसियरली जिए हैं आज तक, और ऐसा मत सोचिए कि किसी एक पर्सन ने आपके साथ गलत कर दिया या एक काम आपकी लाइफ में ठीक नहीं हुआ तो आप डाउन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। God is watching each and every moment, they are watching you. वो आपको ज़रूर bless करेंगे when the right time will come. ठीक है, so as of now maybe you are thinking कि कुछ भी नहीं निकल रहा, nothing will come of this situation, कुछ नहीं हो रहा, but no, आप अपना जो भी आपने dreams देखे हैं, जो आपने अपने life के लिए आगे के लिए सोचा है, just अपने dreams को, vision को वैसे ही intact रखें, आपका hard work ज़रूर pay off करेगा Scorpio राशि। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड इन डिवाइन। ऑल राइट, सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर द अपकमिंग वीक फ्रेंड्स। एनर्जी क्लेम करना अगर मैच करती है, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।